हेलो भाई, मैं कुमार। आज का नेक्स्ट डे व्लॉग है और आज अभी हम वृंदावन में हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग बताया था कि अभी हम आगरा जाएंगे, तो रात में यहीं पे स्टे किया था और 700 रुपये वाला रूम के हिसाब से आपको ऐसा मिलता है इधर वृंदावन में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बेसिक रूम है, हमको बस सोने के लिए चाहिए था, सबसे हल्का वाला रूम हमने लिया है ये। और यहाँ पे सोए थे हमारे बड़े भाई आकाश। तो अभी हम निकलते हैं, इस रूम को करते हैं बाय बाय और मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ मार कैसा इंडिया। भाई ठंड बढ़ने लग गई है, सुबह सुबह बहुत ठंड है। और आप सभी को राधे राधे। ये खड़ी कार जो मैं आपको रात को दिखा रहा था, बिल्कुल टच, खाली रोड्स हैं बिल्कुल। 8 भी प्रॉपर कहाँ बजे हैं, 7:47 हो रहे हैं। अच्छा भाई, मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरे को जो फेवरेट टाइम लगता है ड्राइविंग का, वो सुबह ही लगता है, अर्ली मॉर्निंग। इस टाइम बहुत मज़ा आता है। आपको अगर लेट नाइट ड्राइव करनी है ना, तो उसका मज़ा तभी है जब आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स में दम हो, जो कि क्या सेल्टोस में मिसिंग है। इसके जो हैलोजन बल्ब्स हैं ना, वो ऐसे रोड पर अगर आप चलोगे तो बहुत बेकार रिस्पॉन्स करते हैं। इस वजह से मेरे को अच्छा नहीं लगता इसको रात में चलाने में। चलो भाई, अब निकलने का टाइम हो गया है, यहाँ से सीधा सीधा जाने का मन नहीं करता, इतनी सही जगह है ये। चलो भाई, निकल चुके हैं अभी आगरा के लिए और वृंदावन को करते हैं बाय बाय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो भाई, जो आगरा है वो वृंदावन से देख लो करीबन 67 किलोमीटर दूर है और 1.5 घंटे में हम पहुंचेंगे अगर इस रोड से जाते हैं। और अभी अगर मैं थोड़ी हल्की सी आपको माइलेज दिखा दूं, तो ये 17 की अभी शो कर दिया। पहले टोल टैक्स अपने को मिल चुका है, वहां से तो अपने को कोई मिलता नहीं है क्योंकि हम एक ऐसे रास्ते से आते हैं। अभी देखो फास्टैग की लेन में आप कितनी भीड़ है, और हमारी विंडशील्ड पे भी कोई फास्टैग नहीं लगा हुआ है क्योंकि विंडशील्ड टूट गई थी, फिर भी हमने इसमें घुसा दी। अगर अब हम पे फास्टैग नहीं है तो हमसे डबल चार्ज करेंगे। अगर 150 रुपये इसका टोल है ना, तो 300 रुपये लेंगे जस्ट हम इस लेन में घुस गए इसकी वजह से। हम ऐसी गलती होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप हमारे इस आर्मरेस्ट में नजर डालेंगे तो हमारे पास है ये फास्टैग। अभी मेन रीज़न मैं इसको विंडशील्ड पे क्यों नहीं चिपका रहा हूँ, ये मैंने रिप्लेसमेंट मंगा लिया था 100 रुपये का पेटीएम से। कई बार मेरा बेफालतू का कटा है, हम घुसेंगे भी ना अगर कहीं से, जैसे KMP पे हम घुस रहे हैं तब भी टोल कट जाता है, इस वजह से मैंने चिपकाया ही नहीं है। जब भी कभी एग्जिट करे करेंगे, जब भी जरूरत पड़े करेगी ना, तभी इसको लगाया करेंगे ना। ऐसा नहीं है जरूरी कि भाई आप इसको चिपकाओ ही चिपकाओ। अभी देखना, मैं आपके सामने करूँगा। चलिए अभी हम अपना फास्टैग रखेंगे। देखो इधर फास्टैग रखा हमने, खुल गया इस तरीके से। देखो भाई, जरूरी नहीं होता कि आप इसको चिपकाओ। अब मैं अपने को इसको हटा के ऐसे रख लूंगा, और कई बार स्कैन नहीं कर पाता था, जैसे आप वाइपर चलाते हो ना। अरे रुक जा भैया। तो जैसे अगर आप वाइपर चलाते हो ना, तो भाई आपका स्कैन कर लेता है और आप जा सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कितना है, फोन में देख के कितना टोल कटा है। आगरा में प्रवेश कर चुके हैं भाई, और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं ना, तो पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से लेके जा रहा है। यहाँ पे भैंस गाय ऐसी डोल, मेन रास्ता ताजमहल का बता रखा है। और मैं रोड की अगर बात करूँ ना, तो 105 रुपये जैसे टोल टैक्स कटा था ना, तो यार उस हिसाब से मतलब कहीं कहीं तो बढ़िया रोड, और कहीं कहीं पे जैसे पुल बन रहे हैं तो उधर से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, तो उधर रोड बढ़िया नहीं, उधर दिमाग खराब हो जाता है। अभी रह गया 15 मिनट का रास्ता, 15 मिनट और किलोमीटर 5.5। और ऐसे टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा याद आती है एप्पल कारप्ले की, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसका इलाज भी, मेरे को 10 दिन का टाइम दो, बस आपको मैं दिखाता हूँ क्या इलाज है भाई। उधर से निकल के यहाँ पे देखो, इधर यमुना नदी है, इधर तो आ रही है आगरा की सी वाइब सी थोड़ी। अभी यहाँ से यमुना नदी थी, लेकिन सूखी पड़ी है, पानी नहीं है उसके अंदर। यमुना नदी जा रही है तो ये बस यहाँ पे पंछी पेटा ही मशहूर है इधर आगरा का। यहाँ ही देखो भाई, आगरा फोर्ट है, मतलब बहुत बड़ा है ये, बहुत आलिश है अंदर, बहुत पैसा ही होगा, पता नहीं खुल रहा होगा नहीं खुल रहा होगा। तो पहुंच गए भाई, यहाँ पे है पार्किंग 0.0 किलोमीटर, और यहाँ से कुछ है 750 मीटर के लगभग, यहाँ पे पार्क करेंगे कार। आपको बताता हूँ कितना रेट है, फिर चलते हैं। अच्छा, पार्किंग के लिए ना आपको ऑनलाइन कटवाना पड़ता है, तो भी भाई गया है वहाँ, 100 रुपये पार्किंग है, और ऑनलाइन ही पार्किंग कटती है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा है वो पर्ची काट के देगा, और पूरी यहाँ पे कार ही कार आपको दिखेंगे। तो पहले पर्ची कटवाओ भाई वहाँ जाके, इस जो ये सवारी से इसके पीछे है, तो
तो कर दी भाई पार्क। यहाँ पे 100 रुपए की पहले पर्ची कटवाई जाती है और यहाँ पे पार्किंग फिर होती है। तो अभी जा रहे हैं भाई हम ताजमहल की ओर। ये पार्क से में से ऐसे रास्ता है, ये देखो इस तरीके से जाना होता है अपने को। रश तो इतना नहीं है, अभी सुबह 9:30 बज रहे हैं तो बहुत सही टाइम पाए, बिल्कुल खाली है देखो पूरा पार्क। और ऐसे जंगलों में से जाते हैं ना, बहुत सही है यार, सही व्यू है, मजा आ रहा है। ओ भाई लाइन, ये भाई घुसने वाला गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे, काफी बड़ा है। यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज वीक था 19 नवंबर को ना, ये फ्री था, अनलिमिटेड एंट्री थी। अभी 5000 लोग केवल अलाउड हैं और आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है वरना यहाँ पे आपको टिकट नहीं मिलती है। और ये अभी आपको दिखेगा यहाँ पे ताजमहल, ये देखिए। यहाँ से एंट्री ली और इधर जा रहे हैं अब ताजमहल के पास। अच्छा अभी ये ना पीला पीला सा पड़ रहा है यार, इतना बिल्कुल जो वाइट है ना बिल्कुल धोरा भक्त इससे कहते हैं वो नहीं है, पीलापन पड़ने लग गया। पीछे अपने है पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ ताजमहल। अच्छा इधर जब आप आओ ना तो भाई जरूर टिकट कटवा के आओ पहले, वरना ना फंस जाओगे। इधर जो स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम में, लोग क्या करते हैं पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, 5000 की लिमिट है। अब ताजमहल जो कि 7th वंडर, उसमें 5000 लोग तो कुछ है ही नहीं, 9-10 बजे स्लॉट बुक हो जाता है, उसके बाद 250-300 के ऐसे पर्चियाँ काटी जाती हैं, सॉरी वो टिकट्स बेची जाती हैं, जिनका बहुत बेकार है। ऐसी जगहों को छोड़ दो यार। और रियलिटी में बहुत बड़ा है ये, वाइट मार्बल से बना है पूरा। ये है ताजमहल का साइड व्यू, ये यहाँ पे भाई यमुना नदी भी है इसी के सहारे, लेकिन जो कि अभी सूखी पड़ी है, पानी नहीं है, देखो थोड़ा बहुत है, पूरी यमुना नदी यहाँ से बह रही है। और भाई अभी इसी टाइम पे ना बहुत सही है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, देखो बहुत ना मात्र के बराबर भीड़ है। और अगर आप आते हो तो आप बहुत बढ़िया एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये देखिए ये रहा ताजमहल, सही भीड़ है, 5000 की एक दिन की लिमिट है। अच्छा भाई एक बात बताऊं, आजकल पब्लिक ना इसको देखने नहीं आती, ज्यादा फोटो खिंचवा नहीं आती है, रियल लाइफ में तो कोई कोई देखता होगा, सब फोटो फोटो हर जगह फोटो बस फोटो। तो देख लिया भाई ताजमहल, अब अपने निकल चुके हैं घर के लिए, मतलब आगरा फोर्ट की ओर चलाया, आगरा फोर्ट कहीं रास्ते में मिल जाता है तो उधर भी देख लेंगे, नहीं तो फिर सीधा निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है ताजमहल घूमने में, 1.5 घंटा लास्ट लगता है, तो वो घूम के हम आ चुके हैं, अब चलते हैं। अभी दिखाता हूँ भाई आगरा फोर्ट, कार अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है और ये तो बहुत बड़ा है मेरे ख्याल से। अच्छा भाई अभी आगरा फोर्ट पे हैं, यहाँ पे भी वही वाला स्कैन एंड पे करना पड़ता है सीन, यहाँ पे भी 35 रुपए की पर्ची कटती है। अच्छा और भाई अपने को कुछ मिले यूट्यूब से? भाई हम साउथ इंडियन से, अन्ना वाला है, अन्ना का गोला चैनल है, अन्ना ने क्या बोला एक बार देखो, ट्रैवलिंग चैनल है, पूरा दुनिया घुमा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है जाना भाई। भाई का यूट्यूब लिखा हुआ था, हमने भाई से कहा कि भाई क्या चैनल है, तो जरूर जाना भाई का है, अन्ना का गोला, अन्ना ने क्या बोला। और बलेनो भी आपके पास है ना, बलेनो गाड़ी से ही तो आ रहा है। इधर भाई आपकी टिकट वगैरह चेक होती है जो आप कटवाया है। और एक चीज और, यहाँ पे जियो लेके मत आना, बिल्कुल बहुत मरा हुआ नेटवर्क है भाई, इतना वो जो भाई थे ना यूट्यूब वाले उनसे मैंने हॉटस्पॉट लिया,
और तब जाके टिकट बुक हुई है। यहाँ पे भाई जियो का तो कोई मतलब ही नहीं है लेके आना, तो टिकट ही बुक नहीं होती। 40 रुपये अलग से करते, तो 140 रुपये की चार टिकट और 40 रुपये कोई पता नहीं क्या देना पड़ रहा है। विकास विकास आगरा का भाई, हम आगरा फोर्ट के अंदर एक मिनट आप अगर देखोगे ना इधर उधर तो आपको दिखेगा इधर सूरज पड़ रहा है। अच्छा इधर आप, मैं आपसे बात बताऊँ ना, अभी ताजमहल और आगरा फोर्ट सब कुछ ओपन हो गए हैं और 9 बजे 5000 की जो लिमिट है ना वो पूरी हो जाती है। अभी आगरा फोर्ट में बहुत जो पुराने ज़माने का फोर्ट है, बहुत बड़ा, मस्त मज़ा आएगा आपको देखने में। यहाँ पे भी सिस्टम और जियो का नेटवर्क यहाँ पे बहुत पुअर है, बिल्कुल भी स्पीड नहीं आती। अगर आपको टिकट भी बुक करनी है ना तो नहीं हो पाती है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं मिलता, वायरिंग नहीं, स्विच नहीं, कुछ नहीं, पूरा वो लगती थी सब और महारानियाँ खड़ी होती थी ऊपर। अच्छा ऊपर से लेडीज देखती। अच्छा गाइड भी मिलते हैं भाई इधर 300 रुपये के, जो कि हमने हायर नहीं किए। मैं ही इनका गाइड हूँ एक्चुअली, मैं इनको बता रहा हूँ। गलत गलत इन्फॉर्मेशन बांटता है तू यहाँ पे। और देखिए बहुत देखो क्रिएटिविटी, उस टाइम तो सब कुछ अपना मैनुअली होता था, आजकल तो मशीन कर देती है कट, पहले सब कुछ मैनुअल होता था। ये आगरा फोर्ट से दिखाता हूँ अभी मैं आपको ताजमहल का व्यू। ये देखिए यहाँ से सीधा ताजमहल दिखता है, उधर जूम मारता हूँ। ये देखो ये रही यमुना नदी, ये है ताजमहल। मैं कहाँ खड़ा हूँ, इधर पूरा व्यू था पहले, बहुत लग्जरी टाइप की ये चीज़ें। ये नीचे थी भाई इनकी बेसमेंट, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह पार्क करते थे। बेसमेंट ना आयो वो पता है, यहाँ तो पानी आवा जैसे ना गाड़ी गाड़ी गाड़ी, गाड़ी हो गई यहाँ यहाँ पे भी घोड़ा है। अच्छा आगरा फोर्ट से भी आ गए हैं भाई। अभी भाई मैंने भेज दिया बोतल भरला पानी की, यहाँ पे निःशुल्क पानी मिलता है। अच्छा आगरा फोर्ट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है खास देखने के लिए, यहाँ पे बहुत चीज़ें मॉडिफाई भी कर दी हैं, आर्टिफिशियल भी लगा दी हैं और ज़्यादा पूरा घूमने में नहीं, थोड़ा थोड़ा पार्टी दिखाते हैं, लेकिन जितना भी था अच्छा लगा भाई देख के। अभी चलते हैं सीधा घर, क्योंकि 2 दिन हो गए अपने को घर से बाहर, तो अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ये देखो, और 100 रुपये पार्किंग था ताजमहल पे, 100 रुपये यहीं पे था, तो 200 रुपये पार्किंग हो गए। थोड़ा बहुत बताऊँगा मैं, डीजल गाड़ी ने हम एंड में बात करेंगे कितना खाया, और माइलेज तो 20 के लगभग दे रही है। हाईवे पे मैं 80-90 के लगभग कर पाया, रोड इतना ठीक नहीं था। तो आगरा की छोटी छोटी गलियों से होते हुए भाई अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं, और अभी घर बता रहा है ये अपना 166 किलोमीटर, 3 घंटे 17 मिनट में पहुंचेंगे। जैसे सुबह 105 कटा था, तो एक टाइम फ्रेम होता है, तो अभी हम 105 देंगे या कितना कटेगा वो चीज़ और देखने वाली है। अभी मैसेज आया भाई, फास्ट टैग का मैसेज ना बहुत देर बाद आता है, इस वजह से जो मैंने पहले आपको बात बताई थी ना कि गड़बड़ हो जाती है, हम एंट्री पे कट जाता है, तो वो तब वापस हम जाएंगे तो हम 100 किलोमीटर कवर कर चुके होंगे, तो तब फास्ट टैग का मैसेज आता है। अभी मैसेज आया है 55 रुपये कटे हैं। चलो भाई अभी पहुंच चुके हैं अपने घर, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी टोटल गाड़ी ड्राइव करी हमने। तो यहां पे माइलेज वगैरह की बात करेंगे तो आज 239 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी है, जिसमें इसने 17.5 की माइलेज दिया। अभी माइलेज का ऐसा है, मैंने कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं भगाई, एवरेज स्पीड 100-110 थी, लेकिन यार वो ना जाम बहुत था, ट्रैफिक बहुत मिलता रास्ते में, इस वजह से ट्रैफिक के मामले में गाड़ी खड़ी रही थी, एसी पूरी ट्रिप में अपना बंद ही था, तो इस वजह से इसने 17.5 की दिया है। जब हम जा रहे थे हाई वाई में तो 20 की दिखा रहा था, लेकिन अभी आपके सामने है। अभी कुछ पॉइंट्स की बात करूँ तो भाई इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, अभी मेरे को 1% भी थकावट नहीं है, अभी मैं दोबारा भी जा सकता हूँ, इतनी एनर्जी मेरे अंदर अभी भी है। तो खैर भाई, अगर आपने हद तक व्लॉग इन्जॉय करा है तो आप इसको ज़रूर लाइक तो ज़रूर करके जाएँ, और अगर ये थोड़ा ठीक ठाक बना हो तो आप कमेंट में बता देना, आगे अगर हम कहीं जाएंगे तो बना लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू भाई, सो मच।